केंगल, पूरा नाम केंगल शेफर डॉग, एक ट्रेडिशनल टुर्किश डॉग ब्रीड जो मशहूर है अपने गार्ड डॉग वाले अंदाज के लिए, 750 PSI वाला बाइट फोर्स और 90 किलो का वजन इस ब्रीड को बहुत अलग बनाता है। आइए आज के वीडियो में जानने वाले इनके बारे में कुछ अलग से फैक्ट्स जो शायद आपने नहीं जाना होगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। स्पेशल डॉग है और स्पेशल वीडियो है, चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर वन, अभी किसी भी ब्रीड को जानने के बाद उनका हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनका ओरिजिन की बात करें, तुर्की के केंगल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जिसकी वजह से इनका नाम है केंगल। अभी नाम इतना अलग है तो कुछ काम भी अलग होगा ना। बात करेंगे अभी बेसिक फैक्ट्स को लेकर। हाइट की बात करें तो मेल में होते हैं करीब 80 cm जितना और फीमेल होते हैं करीब 75 cm जितना। वजन की बात करें तो मेल होते हैं करीब 60 kg जितना और फीमेल करीब 50 kg जितना। इंट्रो में थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं उसके लिए सॉरी। नंबर थ्री, टेम्परामेंट। अभी यहाँ पर आइए मेन फैक्ट की तरफ। बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है इनका टेम्परामेंट, मतलब कब शांत होते हैं और कब आक्रामक होते हैं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी भी गलती आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, खास करके अगर आप इनका मालिक नहीं हो तो। बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं जो अपने मालिक के लिए लॉयल प्रोटेक्टिव होते हैं लेकिन बाकी किसी के लिए नहीं। कोई भी अनजान को देखने पर बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और अगर आप इनके सामने इनके मालिक को टच भी करते हैं तो फिर तो आप गए। लॉयलिटी, अभी देखिए हर एक डॉग भी बहुत लॉयल होते हैं लेकिन ऐसा गार्ड डॉग का लॉयलिटी कुछ अलग ही लेवल पे होते हैं। अपने मालिक और मालिक के परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं। लेकिन हाँ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप एक केंगल को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको रहना पड़ेगा डोमिनेंस पे। उनको समझना पड़ेगा कि आप उनका असली मालिक हो, वो नहीं। वरना अगर आप उनको संभाल नहीं सकते ना तो फिर बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ और आपके परिवार के साथ, क्योंकि ऐसे तो बहुत लॉयल होते हैं लेकिन कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा आपको और उनको समझना पड़ेगा कि आप एक डॉग और आपका काम है प्रोटेक्शन करना। नंबर फाइव, गार्ड डॉग। अभी ये तो मशहूर है अपने गार्ड डॉग वाला अंदाज के लिए, ये हम सब जानते हैं। पहाड़ में भीड़ का प्रोटेक्शन करना हो, अपने मालिक की सुरक्षा करना हो या फिर कोई भी खतरे को मार गिराना हो, इस काम में इनसे बेहतर शायद ही कोई होगा। जो बनाता है इनको बहुत ही पावरफुल डॉग ब्रीड और बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग जिनका प्रोटेक्टिव नेचर और अपने मालिक के प्रति लॉयलिटी इसको बनाता है एक बहुत ही परफेक्ट फैमिली गार्ड डॉग जो आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन वही बात है, आपको रहना पड़ेगा डोमिनेंस पे। नंबर सिक्स, मेंटेनेंस। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर आप कोई भी डॉग को ले रहे हैं तो आपको इस बारे में जरूर पता होना चाहिए कि इनका मेंटेनेंस कितने में होता है। लेकिन इस बारे में कंगाल कुछ अलग ही होते हैं। पहाड़ों में रहते हैं मतलब वो पापा की परी नहीं होते ना, और शेर होते हैं और ज्यादा ख्याल शेर का रखना नहीं पड़ता, वो खुद रख लेते हैं। उतना ग्रूमिंग नहीं चाहिए होता है, साल में 4-5 बार बहुत इनफ होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कंगाल को घर पर रख रहे हैं तो फिर ग्रूमिंग जरूरी है। नॉर्मली वो टॉय से भी नहीं खेलते लेकिन अगर आप उनको घर में पाल रहे हैं तो फिर टॉय तो चाहिए होगा और साथ में मैक्सिमम आपका पैसा खर्च होंगे खाने पे, क्योंकि आपका घर का प्रोटेक्शन करते हैं तो खाना भी खिलाना पड़ेगा अच्छे से। नंबर सेवन, लाइफ टाइम। अगर कोई डॉग लंबे समय तक रह सकता है तो उसके मालिक के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनको मिलता है बहुत अच्छा कॉम्पेनियन, और इस बारे में केंगल बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि 12 से लेकर 16 साल का इनका होता है लाइफ टाइम जो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक ऐसा डॉग भी चाहते हैं जो बहुत लंबे समय तक आपके फैमिली के साथ रह सके तो ये बड़ा डॉग भी शायद आपके लिए ज़रूर होगा, मतलब फैमिली का साथ मतलब फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए। अभी आखिरी पॉइंट, मेरा ओपिनियन। अभी देखिए हर एक डॉग अलग अलग होते हैं, हर एक डॉग का काम बहुत अलग अलग होते हैं, और अगर आप एक ऐसा डॉग भी चाहते हैं जो आपके परिवार का रक्षा कर सके, प्रोटेक्शन कर सके या फिर पहाड़ों में आपके साथ शिकार कर सके तो ये वाला डॉग ब्रीड आपके लिए एकदम सही है। लेकिन अगर आप एक अच्छा फैमिली डॉग चाहते हैं तो शायद ये वाला डॉग ब्रीड आपके लिए उतना सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये लॉयल तो होते हैं लेकिन उतने सॉफ्ट नहीं होते, थोड़े हार्ड शेड उनको पसंद है और यही इनका अंदाज इनको अलग बनाता है। और उनके पास 750 PSI वाला बाइट फोर्स इस ब्रीड को बहुत अलग बनाता है और बहुत खतरनाक भी बनाता है बाकी सारे लोगों के लिए। तो अगर आप एक गार्ड डॉग चाहते हैं तो फिर ये वाला डॉग ब्रीड आपके लिए एकदम सही है। तो ये आज का वीडियो जहाँ पर हमने बात किया मोस्ट वांटेड केंगल के बारे में, कैसा लगा बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। आपका थॉट शेयर करें हम साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे, क्या आप इनको लेना चाहेंगे बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। और हाँ, हमने पिछला वीडियो में भी इनको लेके बात किया था, थोड़ा बात किया था, जाके देख सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगा, मोस्ट पावरफुल डॉग ब्रीड्स के ऊपर। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज द बॉय साइनिंग ऑफ, टाटा।